हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ये जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की रात मौत की खबर आई। मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार का शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। इस दौरान मुख्तार और उनके बेटे उमर अंसारी की आखिरी बातचीत का वीडियो सामने आया है। ये बातचीत 26 मार्च को देर शाम की बताई जा रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होने के बाद मुख्तार ने बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत और छोटे बेटे उमर से फोन पर बात की थी। अब ये जानते हैं कि इस दौरान इन दोनों की मुख्तार अंसारी से क्या बात हुई। पापा आप ठीक हैं? हाँ बाबू हम ठीक हैं। बस अल्लाह ने बचा लिया, रमजान का पाक महीना चल रहा है। बेहोशी टाइप हो जा रही है, कमजोरी लग रही है। मैंने देखा न्यूज में आप कमजोर हो गए हैं। हम कोर्ट में हैं, मुलाकात की परमिशन करवा रहे हैं, दरोगा अंकल भी करवा रहे हैं, अगर परमिशन मिली तो मिलने आएंगे। हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हम उठ नहीं पा रहे हैं। जहर का असर दिख रहा है, सब जहर का असर है। हिम्मत करके पापा फोन कर लिया कीजिए, आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगता है। हाँ बाबू, बॉडी चली जाती है, रूह रह जाती है। हिम्मत रखिए, अभी हज करना है, कोई और रहता तो मर गया होता अब तक। हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, व्हील चेयर के सहारे हूँ। जल्द आप सेहतमंद होंगे। आज आए थे तो बेहोश हो गए थे। वॉशरूम जा रहे हैं या नहीं आप? 10 दिन से वॉशरूम नहीं हो पा रहा है। मैं आपके लिए जमजम लेकर आऊंगा, खजूर लेकर आऊंगा, फल लेकर आऊंगा। इस दौरान मुख्तार ने बताया कि 18 तारीख के बाद से उसने रोजा नहीं रखा है, एक भी जमात नहीं हुई है, बेहोशी हो रही है। यही नहीं, मुख्तार अंसारी ने मौत से कुछ दिनों पहले कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। मुख्तार ने चिट्ठी में कहा था कि 19 मार्च की रात मुझे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया था जिसके बाद से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने लिखा था कि उनकी मौत के पीछे गहरी साजिश है।